नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। इस पूरे देश में सिर्फ एक आदमी राष्ट्रवादी है, सिर्फ एक आदमी देशभक्त है, बाकी सारे एंटी नेशनल हैं। एक दिन आएगा दोस्तों, मैं आपको बतला रहा हूं कि सिर्फ एक आदमी इस देश में देशभक्त रह जाएगा, बाकी सारे लोग जो हैं वो देश विरोधी करा दिए जाएंगे। लिख के दे रहा हूं मैं इस वक्त आपको। दिशा रवि 21 साल की एक लड़की को हिरासत में ले लिया गया है। जो आरोप लगाए गए हैं दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर एक ऐसी तर्कसंगत न्यायिक प्रक्रिया हुई तो अदालत के अंदर इनकी बखिया उधेड़ जाएगी। मुद्दा वो नहीं है बिल्कुल, मुद्दा यह है कि जिस तरह से हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, मानो ये सरकार कह रही है कि तुम अपने बच्चों पर काबू रखो वरना हम उन्हें जेल में डाल देंगे। मैं बात करूंगा दिशा रवि की, मगर उससे पहले मैं जानता हूं आप में से कई लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अभिसार, अब तक आपने न्यूज क्लिक पर जो ईडी की रेड हुई है, प्रवर्तन निदेशालय की रेड हुई है, उस पर कुछ क्यों नहीं कहा। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के आरोप प्रवर्तन निदेशालय के सूत्र गोदी मीडिया में लीक कर रहे हैं, उसका जवाब, उसका माकूल जवाब न्यूज क्लिक जरूर देगा। मगर इस चेहरे पर गौर कीजिए, इनका नाम है प्रबीर पुरकायस्थ, ये हैं न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ। 100 घंटे से ज्यादा प्रबीर से पूछताछ करती रही प्रवर्तन निदेशालय, 100 घंटे से ज्यादा। एक छोटा सा डिजिटल प्लेटफॉर्म, और जो जाती है, जो 2 या 3 जगह रेड मारती है, और उनमें वो लगातार 100 घंटे तक पूछताछ करती रहती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं प्रबीर पुरकायस्थ हैं कौन। प्रबीर पुरकायस्थ वो शख्स हैं दोस्तों, जब देश में आपातकाल लगाया गया था 1975 में, तो ये जेल में थे। जेल में रहकर इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। ये उन लोगों में से नहीं थे जो भेष बदलकर या सिख का भेष बदलकर जो हैं गायब हो गए थे, नहीं। प्रबीर पुरकायस्थ को उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने जेल में बंद कर दिया था, और जेल में रहकर इस शख्स ने अपनी पढ़ाई पूरी की। और आप भी जानते हैं, आप जो न्यूज क्लिक के दर्शक हैं, कि न्यूज क्लिक समाज के सबसे वंचित व्यक्ति, वो शख्स जिसे मुख्यधारा का मीडिया भूल गया है, उसके मुद्दे उठाती रही है, और यह कहीं ना कहीं प्रबीर पुरकायस्थ की सोच है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपातकाल के खिलाफ प्रबीर पुरकायस्थ ने आंदोलन किया था, आपातकाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने आंदोलन किया था, कई जेल गए थे, और प्रबीर हमेशा से ही जो सत्ताधारी पार्टी है उससे सवाल करते रहे हैं, तो जब प्रबीर उस वक्त गलत नहीं हुए तो अब गलत कैसे हो गए। मैंने कहा ना कि जो जो आरोप न्यूज क्लिक पर लगाए जा रहे हैं, जो लीक किए जा रहे हैं, उसका जवाब न्यूज क्लिक देगी। मगर मैं आपसे सीधे सवाल कर रहा हूं, जो शख्स आपातकाल में जेल के अंदर था वो अब गलत कैसे हो गया। जो शख्स लगातार किसानों के मुद्दे को उठाता रहा, जिसकी संस्था किसानों के मुद्दों को उठाती रही, वो अब गलत कैसे हो गया। मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे पर न्यूज क्लिक को समर्थन भी मिला है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित पी साईनाथ और रवीश कुमार दोनों ने न्यूज क्लिक के लिए अपनी आवाज बुलंद की है। रवीश कुमार ने पहले इस मुद्दे को अपने कार्यक्रम में उठाया और उसके बाद खुद एक स्वतंत्र संदेश दिया। रवीश कुमार ने वो 2 संदेश क्या दिए, आप खुद सुनिए। न्यूज क्लिक चैनल और वेबसाइट के दफ्तर में ईडी ने छापे डाले हैं। यह चैनल सरकार से सवाल करता रहता है। मशहूर एंकर अभिसार शर्मा इसी चैनल के लिए कार्यक्रम करते हैं, जिसका नाम है न्यूज चक्र और बोल के लब आजाद हैं तेरे। ईडी न्यूज क्लिक के शेयर होल्डर और इसके व्यवस्थापकों के यहाँ छापे डाल रही है। भारत में प्रेस की आजादी है, जो कि आप देख ही रहे हैं। मुख्य धारा की मीडिया के जितने भी बड़े संस्थान हैं, उनका गोदीकरण संपूर्ण हो चुका है, और अब जो दूसरी जगह हैं जहाँ पर बची खुची रिपोर्टिंग है या फिर सवाल उठाए जाते हैं, जैसे न्यूज क्लिक है, वायर है, न्यूज लॉन्ड्री है, कैरवन है, इन सब पत्रिकाओं पर और वेबसाइट पर निगाह है कि कैसे इन्हें ख़त्म किया जाए। तरीका है मुकदमा या फिर छापा। ईडी जो है वो अब नई सीबीआई है। इसके ज़रिए विपक्ष के नेताओं को डराया जाता है, इसके ज़रिए अब पत्रकारों को डराए जाने का काम शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि पैटर्न ये है कि जो नई उभरती हुई जगह है, उस जगह को उभरने से पहले ख़त्म कर दिया जाए। आज आपको सोचना होगा दोस्तों कि क्या समाज में उस शख्स को टारगेट किया जाएगा जो समाज के वंचितों के लिए मुद्दा उठाते रहे,
जो गोदी मीडिया ना हो, जो सरकार की जी हजूरी ना करे, ये आपको सोचना है। अब मैं बात करना चाहता हूं दिशा रवि का, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी एक एक्टिविस्ट। बेंगलुरु जाती है दिल्ली पुलिस, इन्हें गिरफ्तार करती है और अब 5 दिन के लिए हिरासत में है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, वो बाहर निकल रही हैं और यह भी बतलाया गया कि अदालत के अंदर उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि मैंने एक गूगल डॉक्यूमेंट में, उस टूल किट में सिर्फ 2 छोटे-छोटे परिवर्तन किए थे, मेरा क्या दोष है। अब मैं आपको वीडियो दिखलाने जा रहा हूं दोस्तों। पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं कि आप रो क्यों रही थी। हद है दोस्तों, सबसे ज्यादा संवेदनहीन सवाल कोई किया जा सकता है, जिससे पता चलता है कि ये पत्रकार किन की सुपारी लेके चलते हैं। ये वीडियो देखिए दोस्तों। दिशा कुछ कहना चाहेंगे? दिशा, अरे बिजल बना दो, बिजल बिजल हटो। दिशा आप कुछ कहना चाहेंगी? दिशा रो क्यों रही है? दिशा कुछ आप कहें। अब ये 3 तस्वीरें देखिए, यहां पर आप दिशा रवि को देख रहे हैं, साफ सफाई कर रही हैं, स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बन सकती हैं। और इसी तरह से दिशा रवि ने जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे उठाए। पुलिस ने जो उन्हें हिरासत में लिया, उन्होंने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद है। आपके स्क्रीन पर पुलिस ने क्या कहा, इस प्रक्रिया में इन लोगों ने प्रो खालिस्तानी पोएटिक जस्टिस के साथ साझेदारी की और उनका मकसद था भारत के अंदर असंतोष फैलाना। उन्होंने ग्रेटा थनबर्ग के साथ साथ इस टूल किट डॉक्यूमेंट को शेयर किया। दिल्ली पुलिस यह कह रही है, अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक, इन दिस प्रोसेस दे ऑल कोलैबोरेटेड विद प्रो खालिस्तानी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन टू स्प्रेड डिसअफेक्शन अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। शी वॉज द वन हु शेयर्ड द टूल किट डॉक्यूमेंट विद ग्रेटा थनबर्ग। आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं दिल्ली पुलिस से, उस टूल किट के अंदर क्या एक भी ऐसी कोई पंक्ति है जो यह बतला रहा है कि वह हिंसा करना चाहते थे? मैं जानना चाहता हूं दिल्ली पुलिस से, उस टूल किट के अंदर ऐसा क्या है जिससे आप इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि ये लोग हिंसा फैलाना चाहते थे और भारत के खिलाफ जंग छिड़ना चाहते थे? दूसरी बात, इस वक्त आपके पास क्या प्रमाण है कि ये खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं? ग्रेटा थनबर्ग, जिन्हें नोबेल प्राइज के लिए मनोनीत किया गया, क्या आप ये कह रहे हैं कि वो खालिस्तानी आतंकवादी हैं? दिशा रवि एक खालिस्तानी आतंकवाद से जुड़ी संस्था से जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, बेंगलुरु में आई दिल्ली पुलिस और उठाकर ले गई। बेंगलुरु पुलिस ने इस पर कुछ नहीं किया, कर्नाटक सरकार ने कुछ नहीं किया, उल्टा इनके एक सांसद हैं पीसी मोहन बेंगलुरु से, वो दिशा रवि की तुलना अजमल आमिर कसाब, जो कि एक आतंकवादी है, उससे कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर बुरहान वानी 21 साल का था, अजमल आमिर कसाब 21 साल का था। उम्र सिर्फ एक नंबर है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कानून, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, अ क्राइम इज अ क्राइम इज अ क्राइम इज अ क्राइम। मैं यही तो समझना चाहता हूं, आपने दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया, आपके पास क्या प्रमाण है कि उनके खालिस्तान के साथ लिंक हैं? पहले आप गिरफ्तार कर लेंगे, बाद में आप जांच करेंगे? जांच तो आप वैसे भी कर सकते थे। और मैं फिर पूछना चाहता हूं आपसे वो 2 अहम सवाल। पहली बात, उस टूल किट के अंदर ऐसा क्या था जिससे आप इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि दिशा रवि के खालिस्तान के साथ लिंक थे? नंबर 1। नंबर 2, मुझे यह बताइए, उस टूल किट के अंदर हिंसा को बढ़ावा देने संबंधी कौन सी पंक्ति थी? और नंबर 3, क्या ग्रेटा थनबर्ग एक खालिस्तानी आतंकवादी हैं? अपनी भद क्यों पिटवा रहे हो मेरे भाई? देश की साख पर बट्टा क्यों लगवा रहे हो? देश का मखौल मत बनाओ, देश का मजाक मत बनाओ। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, हमें यह संदेश दिया जा रहा है कि या तो तुम अपने बच्चों पर काबू पाओ वरना हम उन्हें जेल में डाल देंगे। मैं आज आपसे यही जानना चाहता हूं, क्या आपको यह बात स्वीकार है? एक टूल किट डॉक्यूमेंट में कुछ परिवर्तन करने से कोई खालिस्तानी आतंकवादी बन जाता है? और यहां पर एक सांसद उस लड़की के खिलाफ भीड़ को भड़का रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात,
सबसे बड़ी बात, उसने दिशा रवि को, पीसी मोहन ने दिशा रवि को अजमल आमिर कसाब के साथ उसकी तुलना कर डाली। एक लड़की के खिलाफ तुमने एक भीड़ खड़ी कर दी। मुझे पूरा विश्वास है दिशा रवि जो है दोषमुक्त होकर रिहा हो जाएंगी, कभी ना कहीं रिहा हो जाएंगी। मगर पीसी मोहन ने, जो कि सांसद है बेंगलुरु से, उन्होंने एक भीड़ खड़ी कर दी है इस लड़की के खिलाफ, एक 21 साल की लड़की के खिलाफ। मैं जानना चाहता हूं आखिर इस पीसी मोहन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, बताइए। अब मैं आपको सुनवाना चाहता हूं दिशा रवि की आवाज। दिशा रवि किस तरह से जलवायु परिवर्तन पर बोलती रहती हैं आपकी स्क्रीन पर, सुनिए। Hey, my name is Disha. I'm a climate activist. I'm a part of Fridays for Future India, and I've been organizing and mobilizing people for climate activism since last year. Tomorrow, I will be going live with Reap Benefit to talk about how you can get involved and how you can work for a better planet. ये मुद्दा भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। प्रियंका गांधी ने इस पर ट्वीट किया है। क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी आपके स्क्रीन्स पर? डरते हैं बंदूक वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से। मुझे खुशी है इस बात की कि इस मुद्दे को कांग्रेस उठा रही है, क्योंकि विपक्ष का यही काम है किसी तरह का कोई अत्याचार, किसी तरह की कोई नाइंसाफी हो तो इस मुद्दे को उठाया जाए। मगर आज आपको खुद से सवाल करना है कि देश की इज्जत दिशा रवि, प्रबीर पुरकायस जैसे लोग जो हैं वो उनकी इज्जत को तार तार कर रहे हैं, या देश की इज्जत दिल्ली पुलिस कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ एक आदमी सही है? दिशा रवि भी गलत, ग्रेटा थनबर्ग भी गलत, रियाना भी गलत, अमेरिकी कांग्रेसमैन भी गलत, ब्रिटिश सांसद भी गलत। हम क्या संदेश दे रहे हैं कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है? और मैं फिर दोहरा दूं, दुनिया को अब भी भारतीय लोकतंत्र पर भरोसा है, मगर इस लोकतंत्र को बहुत ही सुनियोजित ढंग से कुचला जा रहा है, लोगों में डर पैदा किया जा रहा है। आज आपको खुद को यह सवाल पूछना पड़ेगा। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। मेरे सहयोगी काशिफ ककवी ने यह ट्वीट किया है और इसके अंदर मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों हुआ क्या, देश की इज्जत के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है ना। मैं आपको मध्य प्रदेश की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, तीन वीडियो एक के बाद एक दिखाऊंगा दोस्तों। कल क्या हुआ, सुरेंद्रनाथ बीजेपी के एक पूर्व एमएलए के नेतृत्व में खुद बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं और शिवसेना के कार्यकर्ता जो हैं वो निकल पड़े और भोपाल में इन्होंने कई रेस्टोरेंट्स को तोड़ डाला, उनके शीशे तोड़ डाले। पहला वीडियो देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है। काशिफ ककवी मेरे सहयोगी जो है न्यूज क्लिक में, उन्होंने ये वीडियो मुहैया कराया है और आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है। इसकी कुछ झलकियां देखिए। अब इस वीडियो में देखिए दोस्तों, एक कपल जो है वो लंच कर रहा है और किस तरह से एक आदमी आता है जो कि शिवसेना से जुड़ा हुआ है और जो है वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर देता है। देखिए क्या है? अब पुलिस ने कार्रवाई जरूर की है, केस दर्ज कर दिया है, वो एक अलग मुद्दा है। मगर सुरेंद्रनाथ जो कि बीजेपी का पूर्व एमएलए है, इसका यह कहना है कि हर चीज सरकार नहीं कर सकती, जनता को मुद्दा अपने हाथों में लेना पड़ेगा। यानी कि एक पूर्व एमएलए जनता से कह रहा है कानून को तोड़ो। दूसरी बात यह कहता है, उसने कहा कि इस हुक्का बार के अंदर ड्रग्स का कारोबार होता है और फिर आदत से मजबूर उसने लव जिहाद को भी जोड़ दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं इस सुरेंद्रनाथ से कि भैया मुझे एक बात बताओ कि अगर ड्रग्स का कारोबार हो रहा है तो उस पर अंकुश किसको लगाना चाहिए, सरकार को लगाना चाहिए या आपको लगाना चाहिए? देश की जनता अगर इसी तरह से कानून हाथ में लेती रहेगी तो लोग आपके घर में घुसकर आपको लिंच कर देंगे। यही होने वाला है आने वाले दिनों में और हो भी रहा है। दिशा रवि के साथ जो हुआ वो तो चलो पुलिस ने किया, मगर सुरेंद्रनाथ जैसे लोग और पीसी मोहन जैसे लोग जो कि एक मौजूदा सांसद हैं, जो हम जो जनता के खिलाफ, हमारे युवाओं के खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक गलत मिसाल पेश कर रहे हैं। क्या क्या सुरेंद्रनाथ ने, आप खुद सुनिए। काम सरकार भी नहीं करा पाती, ये काम जनता का है, जनता इस काम को करे। और इन हुक्का लाउंजों में आजकल हो क्या रहा है, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, ये सब जाके वहां पर
हुक्का तो नाम है, वहां पे उनको नशे का आदि बनाया जा रहा है, हीरोइन चरस इसमें गांजा इस टाइप की चीजें वहां पे दी जा रही है, और उन बच्चों को जो है ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, भाई नशे का आदि बना के फिर उनको जो है गलत काम में भी लगाया जा सकता है, वहां लव जिहाद और नशा ये सब चीजें जो है वहां हो रही है। तो देखा आपने, जनता कानून अपने हाथ में ले, जनता जो है जो काम सरकार का है, अगर आपको लगता है ड्रग्स का कारोबार चल रहा है तो सरकार एक्शन ले ना, सरकार तो नहीं ले रही तो फिर आपको किसने हक दिया इस तरह से जाके लोगों को परेशान करना और मारपीट करना। आज दोस्तों हर चीज जिसके जरिए आप इस सरकार पर सवाल उठाएं वो चीज जो है वो एंटी नेशनल के कैटेगरी में आने लग गई है, उसकी फेहरिस्त में आने लग गई है। मसलन आपके सामने बड़ी खबर, क्या आप जानते हैं कि एलपीजी गैस सिलेंडर जो है प्रति सिलेंडर उसका दाम 50 रुपए बढ़ गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस मुद्दे पर भी आवाज बुलंद करना देशद्रोह है? क्योंकि जब कांग्रेस के जमाने में ऐसा होता था तो बीजेपी तो बहुत जमकर उठाती थी। खुद गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा प्रधानमंत्री ने क्या कहा आप खुद सुनिए। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। प्रधानमंत्री जी डेट देते थे फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी, यही कहते रहे, देश ने सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने का करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो लाकर के रख दो, वहां तो लाकर के रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। मैं यही तो जानना चाहता हूं कि मैं नहीं भूला हूं राजनाथ सिंह ने कहा था कि जब किसान आंदोलन कर रहा होता है तो हमें यह नहीं देखना चाहिए उसके पीछे कौन सी संस्था है। मैं तो हमेशा उनके साथ जुड़ जाता हूं। आपके जमाने में जब किसान आंदोलन करता था तो वो देशद्रोही नहीं होता था, युवा आंदोलन करता था निर्भया के लिए वो देशद्रोही नहीं होता था, मगर आप एक मुनव्वर फारूकी को जेल में डाल देते हैं बगैर किसी गुनाह के। आज तक आप यह साबित नहीं कर पाए कि उसका दोष क्या था। डॉक्टर कफील खान 10 महीने तक जेल में रहता है, जब वो रिहा होते हैं तो खुद अदालत कहती है कि डॉक्टर कफील जो हैं वो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं जो उन्होंने बात कही। सिद्दीक कप्पन, अब तक आतंकवादियों के खिलाफ जो धाराएं लगाई जाती हैं उनके खिलाफ धाराएं लगाई गई हैं। और सिद्दीक कप्पन कौन थे, ये हाथरस गए थे, हाथरस की गुड़िया के साथ जो सामूहिक दुष्कर्म और उनकी हत्या हुई थी, सिर्फ बतौर पत्रकार उसकी जांच कर रहे। आपके सामने फेहरिस्त है लोगों के मुद्दे, जो उठाएगा उसको कुचल दिया जाएगा, हकीकत यह है। और अगर आप आंख बूंदे इस तमाशे को देखना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मौजूदा सरकार देशद्रोहियों का सफाया कर रही है, तो यह सोच जो है वो आपको मुबारक, क्योंकि न्यूज चक्र में और बोल के लब आजाद है तेरे में हम ये मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।